नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। मैं डॉक्टर अमरनाथ पासवान समन्वय उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी डॉक्टर अम्बेडकर एम्प्लॉइज एसोसिएशन, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष श्री आलोक प्रसाद जी की रिहाई को लेकर के है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, वो पूरी तरीके से अलोकतांत्रिक गैर संवैधानिक तरीके से काम कर रही है और पूरी तरीके से भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, डॉक्टर अंबेडकर और गांधी के विचारों को दमन कर रही है। आप जानते हैं कि श्री आलोक प्रसाद जी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनको 14 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की जो तानाशाही सरकार है वो जेल के सलाखों में डाल दी। और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर 2-2.5 वर्षों में अगर आंकड़ा हम देखें तो इंजीनियर और पोस्ट ग्रेजुएट सबसे ज़्यादा जेलों के अंदर हैं और ऐसे लोग सबसे ज़्यादा जेलों के सलाखों में हैं जो योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उनके दमनकारी नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था और वाराणसी कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में हम लोग उपस्थित हैं जिसमें महानगर अध्यक्ष श्री राघवेंद्र चौबे जी हैं, वाराणसी के जिलाध्यक्ष श्री राजेश्वर सिंह पटेल जी हैं, तो इस सबके मौजूदगी में हम लोगों का जो प्लान है कि अगर आलोक प्रसाद जी और अनूप पटेल जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं दोनों की रिहाई की मांग करते हैं, अगर सरकार दमनकारी नीति को ऐसे ही अगर लेकर चलेगी तो उत्तर प्रदेश में जो दलित हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, उनके अंदर बहुत आक्रोश है। आज आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में किस तरह की घटनाएं महिलाओं के साथ हो रही है। आए दिन उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ बलात्कार और तरह तरह की छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही हैं। आप हाथरस की घटना को देख लीजिए, अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं किया होता तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उस लड़की की लाश को पेट्रोल छिड़क कर चुपचाप जला करके और पूरी तरीके से सबूत को खत्म करना चाहती थी, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके की हम देखेंगे कि तानाशाही योगी सरकार कर रही है और हमारे नेता माननीय प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी जिस तरीके सड़कों पर उतर करके नौजवानों की आवाज़, दलितों की आवाज़, महिलाओं की आवाज़, किसानों की आवाज़, बेरोजगारों की आवाज़, गरीबों की आवाज़ बन रहे हैं, इसको देख करके योगी सरकार पूरी तरीके से तड़पा रही है। और अब योगी सरकार अगर नहीं चलती है तो जिस तरीके से कांग्रेस के साथ दलित समाज और तमाम जो दबे कुचले लोग हैं जुड़ रहे हैं, आने वाला समय योगी सरकार के लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाला है। सांसद राजेश मिश्रा जी के घर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें संजीव सिंह को कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी बताया गया, तो ऐसे में आप लोग तो नागेश्वर सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें गुटबाजी आपको नजर नहीं आ रही है? निश्चित रूप से गुटबाजी इसको नहीं कर सकते हैं। अब इसको हम आप ये कह सकते हैं कि लगातार संगठन को भ्रम में रख करके कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत राजनीति को चमकाने के लिए पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। ऐसे लोगों के बारे में मुझे लगता है कि हम उन 26 को उनका हर सारे आपके सारे सवालों का मामूल जवाब देंगे और नागेश्वर सिंह जी के साथ जिला संगठन, महानगर संगठन, 8 जनपदों के दिन रात लगकर के ब्लॉक के वार्डों में मेहनत कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिसका परिणाम सुखद परिणाम आप सबको मिलेगा। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक जरूर करें।